आतंकवाद के खिलाफ अभियान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। खबर है कि जांच एजेंसियों ने करीब 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पदाधिकारियों के आवास और दफ्तरों पर रेड की है। इस दौरान 100 से ज्यादा कैडर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक, केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। निया ने आतंकवाद में फंडिंग, ट्रेनिंग, कैंप करने में शामिल लोगों के आवास और आधिकारिक ठिकानों पर तलाशी की है। निया की रेड उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी है। खबर है कि जांच एजेंसी ने करीब 106 ठिकानों पर दबिश दी है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 4, दिल्ली में 3, महाराष्ट्र में 20, उत्तर प्रदेश में 8, तमिलनाडु में 10, असम में 9, केरल में 22, कर्नाटक में 20 और आंध्र प्रदेश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस संख्या में और इजाफा हो सकता है। जांच एजेंसियों ने PFI के प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं के घर पर रेड की है। साथ ही इस बार एजेंसियों ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पार्टी के चेयरमैन सलाम पर भी शिकंजा कसा है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। सलाम के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। निया ने आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में रेड की थी। उस दौरान PFI सदस्यों को पूछताछ के लिए ले जाया गया था। जांच एजेंसी ने हिंसा भड़काने और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की थी। उस दौरान निया अधिकारियों की 23 टीमों में निजामाबाद, कुरनूल, गुंटूर और नेल्लौर जिले में करीब 38 ठिकानों तलाशी ली थी।